हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं और ये राइट एंगल एट बी है तो हमें बी पर राइट एंगल बनाना है और ए बी आप कहीं भी डाल, ए सी आप कहीं भी डाल सकते हैं। इसके हिसाब से दिया हुआ है ए बी इजक्ल टू 24, ए बी इजक्ल टू 24 डाल दीजिए, बी सी इजक्ल टू 7, बी सी इजक्ल टू 7 डाल देते हैं। अब हमें ए सी निकालना है, ए सी होता है लॉन्गेस्ट साइड। तो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं पहले, तो उसके लिए हम ए सी निकालते हैं। ए सी इजक्ल टू हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और अंडर रूट। वैल्यू रखते हैं, ए बी स्क्वायर मीन्स 24 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर अंडर रूट। सॉल्व करते हैं, 24 स्क्वायर इजक्ल टू होता है 576 प्लस 7 स्क्वायर इजक्ल टू होता है 49। दोनों को प्लस कर देंगे तो होगा 625 और इसका आंसर हो जाएगा 25। अब हमें निकालना है फर्स्ट केस में साइन ए। तो लिखते हैं साइन ए, साइन इज इक्वल टू होता है पी बाय एच। एंगल ए के लिए हमारा बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो हम पी यहाँ से उठाते हैं, दैट इज 7 अपॉन एच 25। नेक्स्ट लेते हैं कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा, कॉस इक्वल टू होता है बी बाय एच। तो बी का वैल्यू कॉस ए के लिए बी है 24, आप 24 लिख लीजिए, एच है 25। सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट में साइन सी निकालना है। साइन सी इक्वल टू होगा, साइन का वैल्यू होता है पी बाय एच, तो सी के लिए बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। तो साइन सी निकालते हैं, साइन इज इक्वल टू पी बाय एच है तो पी है हमारे पास 24 और एच है 25। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस सी, तो कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी के लिए कॉस इज इक्वल टू होता है बी बाय एच, तो बी है 7 और एच है 25। क्वेश्चन सेकंड करते हैं, इन द गिवन फिगर फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में क्यू आर नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम क्यू आर निकालते हैं। तो क्यू आर इजकल टू हो जाएगा लॉन्गेस्ट साइड माइनस स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉल साइड मीन्स लॉन्गेस्ट में से हमेशा ये या फिर ये माइनस होता है। मीन्स आपको यदि क्यू आर निकालना है तो पी आर, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर होगा। यदि पी क्यू निकालना है तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर होगा और उसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो हम अभी निकाल रहे हैं क्यू आर, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर और अंडर रूट। पी आर हो गया आपका 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे 13 स्क्वायर इक्वल टू होता है 169 माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू होता है 144। माइनस करते हैं तो आता है यहाँ पर 5, यहाँ पर आता है 20 और इसका आंसर हो जाएगा 5। तो ये हमारा क्यू आर आ गया 5। बस अब फटाफट रखते हैं, निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर। तो पहले टेन पी निकालते हैं, टेन पी, टेन इक्वल टू होता है पी बाय बी। तो पी के लिए हमारा पी बाय बी, पी हमारा ये होगा 5 और कॉट का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ होगा बी बाय, बी बाय पी। तो पी बाय बी है हमारे पास 10 के लिए 5/12 माइनस कॉट आर, कॉट आर इसके लिए हमें निकालना है बी बाय पी, तो बी यही है और पी हमारा 12 है,
यही हो गया 5/12, 5/12 में से 5/12 माइनस हो गया, आंसर हो गया 0। क्वेश्चन 3, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। ए बोला है तो हम यहाँ पर ए डाल देते हैं, ए बी सी। साइन ए इक्वल टू, साइन ए इक्वल टू 3/4, तो पहले लिख लीजिए आप साइन ए इक्वल टू 3/4, विच इज इक्वल टू, साइन का वैल्यू होता है पी बाय एच, मीन्स पी आपका दिया हुआ है 3 और एच दिया हुआ है 4, तो हमें ये ए बी निकालना है। निकाल लेते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, अंडर रूट डाल देते हैं और यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, इसको मिटा दीजिए। तो ए सी का वैल्यू है 4, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, बी सी की वैल्यू है, बी सी का वैल्यू है 3, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, और 4 स्क्वायर होता है आपका 16 माइनस 3 स्क्वायर होता है 9, इसको माइनस कर देते हैं और आंसर हो जाएगा 7। तो हमें निकालना है अब कॉस ए, तो निकालते हैं फटाफट कॉस ए। कॉस ए, कॉस इक्वल टू होता है बी बाय एच, तो हम देखते हैं एंगल ए के लिए बी यही रहेगा, तो बी हमारे पास आया है अभी √7, √7/h 4 है। नेक्स्ट है टेन ए, लिखते हैं टेन ए इक्वल टू, तो इस एंगल के लिए भी सेम कंडीशन रहेगा, टेन इक्वल टू होता है पी बाय बी, और पी है हमारे पास 3 और बी है हमारे पास √7। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में गिवन है 15 cot A = 8, आप लिख लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन में 15 cot A = 8, तो cot A = हो जाएगा 8/15। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, बट ड्रॉ करते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है, हमें पता भी चल रहा है कि हमारा क्या क्या हो रहा है। तो कॉट ए, कॉट इक्वल टू होता है बी बाय पी, तो आप बी बाय पी रख दीजिए क्योंकि टेन इक्वल टू पी बाय बी। तो कॉट इक्वल टू होता है बी बाय पी, तो हमारे पास बी है, हम बी है 8, पी है 15, हम यहाँ पर आप नंबर नाम देते हैं ए बी सी, तो हमारे पास ए सी नहीं है, पहले ए सी निकालते हैं, ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट, ए बी स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर, बी सी का वैल्यू दे रखा है 15, तो 15 स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करते 8 स्क्वायर = 64 प्लस 15 स्क्वायर = 225, और दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर आता है 649, ये 628 और ये 289, और इसका आंसर हो जाएगा 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। और हमें निकालना है साइन ए एंड से के, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर लिखते हैं साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, साइन इक्वल टू होता है पी बाय एच, तो पी का वैल्यू हमारे पास है 15 और एच का वैल्यू हमने अभी निकाला है 17। दूसरा है सेक ए, तो सेक ए लिखते हैं, सेक इक्वल टू हो जाएगा एच बाय बी, एच हमारे पास है 17 और बी है 8। क्वेश्चन 5 करते हैं। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
तो ऑल मीन्स होता है हमारे पास सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, जिसमें से कि 1 sec थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब हमें tan cos cot cosec निकालना है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं और लिखते हैं जो गिवन है, sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो sec का वैल्यू होता है h/b। तो h हमारे पास है 13 और b है 12। नाम दे देते हैं ए बी सी और थीटा हम इसको मान लेते हैं। तो हमारे पास अभी ए बी नहीं है, तो ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर है 13 स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर इक्वल टू होता है 169 माइनस 12 स्क्वायर होता है 144, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 माइनस 4 225, और इसका आंसर आ गया 5। तो हमारा एच आ गया 5। अब हमें निकालना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेक छोड़ कर। तो पहले पहले सबसे पहले साइन निकालते हैं। साइन इक्वल टू होता है साइन थीटा होता है पी बाय एच। तो पी बाय एच मीन्स पी दे रखा है हमारे पास 5/h है 13। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, तो बी हमारे पास है 12 और एच है 13। साइन कॉस नेक्स्ट 10 निकालते हैं। 10 थीटा इक्वल टू होता है पी बाय बी, तो पी है हमारे पास 5, बी है 12। साइन कॉस 10 कॉट निकालते हैं, कॉट थीटा, कॉट 10 का उल्टा होता है, तो आप इसको राइट लीजिए बी बाय पी और विच इज इक्वल टू 12/5। नेक्स्ट सेक निकला हुआ है पहले से ही, तो कॉसेक निकालते हैं। कॉसेक थीटा, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ये हो गया एच बाय पी, तो 13/5। क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए एंगल बी आर अक्यूट 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 एंगल है, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें ए और बी दोनों अक्यूट दे रखा है, तो दोनों को हम पहले इधर ए डाल लगा लेते हैं, इधर बी लगा लेते हैं और इधर सी लगा लेते हैं। ये दोनों अक्यूट है, ये गिवन है अक्यूट है, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। हमें शो करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लेते हैं, गिवन में है इसके बाद परपेंडिकुलर डाल देते हैं फ्रॉम सी और इसका नाम डी डाल देते हैं। तो गिवन में हमारे पास है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। थोड़ा ध्यान समझिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। कॉस ए इसके लिए इन ट्रायंगल सी ए डी की बात कर रहे हैं, तो कॉस ए इक्वल टू होता है बी बाय एच, तो बी ये होगा और एच ये होगा, तो बी मीन्स हो गया ए डी अपॉन ए सी इक्वल टू कॉस बी इधर से निकालते हैं, तो कॉस बी इक्वल टू होता है, कॉस बी होता है बी बाय एच, तो बी हमारा है बी डी, ये डालते हैं यहाँ पर बी डी और एच है बी सी। इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आप ऐसा कीजिए डी नीचे बी डी को नीचे लाते हैं और ए सी को ऊपर भेजते हैं, मीन्स ट्रांसफर कर देते हैं। तो बी डी नीचे आ गया, ए सी ऊपर चला गया और अपॉन बी सी पहले से ही है। यदि इसको हम के मान लें लेट से, तो हमारे पास हो जाएगा ए डी अपॉन
बी डी इजकल टू के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इजकल टू होगा के बी डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इन द सेम वे। नेक्स्ट, यदि ए सी इजकल टू आप के, ए सी अपन बी सी इजकल टू के मानते हैं तो क्या होगा? ए सी अपॉन बी सी इजकल टू के, नीचे वन मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इजकल टू हो जाएगा के बी सी। इक्वेशन सेकेंड। आगे देखते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी हम कह सकते हैं कि सी डी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, सी डी स्क्वायर इजकल टू ए सी का वैल्यू यहाँ से उठा के डालते हैं के बी सी, तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ए डी के वैल्यू यहाँ से उठा के डालते हैं तो हो जाएगा के स्क्वायर बी डी स्क्वायर। इसको इक्वेशन वो थर्ड मान लेते हैं। आगे देखते हैं, पहले मैं बताता हूँ, यदि इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल के हिसाब से, मीन्स ट्रायंगल सी बी डी, पहले लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल सी बी डी। सी बी डी में क्या है देख लीजिए, सी बी डी में आप लिख सकते हैं कि सी डी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो लिखते हैं सी डी स्क्वायर इजकल टू सी डी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये हो गया बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को देखेंगे तो यहाँ भी सी डी स्क्वायर है, यहाँ सी डी स्क्वायर है, यहाँ भी सी डी स्क्वायर है। तो यदि ये दोनों इक्वल है आपस में तो जाहिर सी बात है ये और ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो हो जाएगा के स्क्वायर बी सी, के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ज़्यादा सही रहेगा, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला उतार देते हैं, इधर भी है बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और ऊपर कर लेते हैं हम। तो यदि आप के स्क्वायर लिखते हैं तो ये हो जाता है आपका बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों इक्वल है तो आंसर हो गया वन, और के स्क्वायर इजकल टू वन है तो के इजकल टू होगा वन के ऊपर अंडर रूट विच इजकल टू वन। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में देखेंगे, मैं मार्क करता हूँ यहाँ से, इक्वेशन सेकंड ये है। तो इक्वेशन सेकंड सेकंड में आप देखेंगे तो ए सी इजकल टू है के बी सी स्क्वायर, आप यहाँ पर लिख लीजिए ए सी इजकल टू के बी सी स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ए सी इजकल टू के बी सी, ए सी इजकल टू जैसा कि आपको पता है के इजकल टू वन निकला है, वैल्यू रख देते हैं तो वन इंटू बी सी हो जाएगा सिंपल बी सी। अब बात करते हैं इधर ट्रायंगल ए बी सी की, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी यदि इसमें ए सी और बी सी बराबर है, इक्वल है, तो
उसके सामने का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, मीन्स एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस होगा। यही स्टेटमेंट में लिखते हैं हम। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी एसी इक्वल टू बीसी, तो एसी का सामने का एंगल है, एसी का सामने का एंगल है एंगल बी, तो और बीसी के सामने का एंगल है एंगल ए, तो एसी के सामने का एंगल एंगल बी लिखते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, या फिर इसको लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 7 देखते हैं। इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो आप लिख लीजिए पहले कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट इक्वल टू होता है बी बाय पी, तो बी और पी दे रखा है, हमारे पास एच नहीं है तो एच निकाल लेते हैं। एच इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अंडर रूट, बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, दोनों को प्लस कर देते हैं तो आता है 8 9 4 3, और ये हो गया आपका 6 4 10 प्लस 1 11 1 1 3। ओके, तो हमें वैल्यू निकालना है फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अरे साइन थीटा का वैल्यू निकाला नहीं, निकाल लेते हैं डायरेक्ट 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन इक्वल टू होता है, साइन इक्वल टू होता है पी बाय एच, तो पी हमारे पास है 8 8 और एच है हमारे पास 1 1 3 अंडर रूट। वही बात यहाँ भी आएगा, बस माइनस का फर्क है, 8/1 1 3 अंडर रूट डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉस इक्वल टू होता है बी बाय एच, तो बी हमारे पास है 7, रख देते हैं 7/h हमारे पास पहले से ही है 1 1 3, और सेम चीज़ यहाँ आएगा लेकिन माइनस होके 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 7/1 1 3। आगे देखते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर है, इसको यदि हम आइडेंटिटी लगाते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 8/1 1 3 का स्क्वायर। नीचे भी सेम कंडीशन है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 7/1 1 3 अंडर रूट का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, इसका हो जाएगा 64/1 1 3, क्योंकि जब रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो रूट स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाता है। अगला देखते नीचे 1 माइनस 7/, सेम सिचुएशन यहाँ भी रूट के ऊपर स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर, सॉरी 7 7 49 डाल दीजिए और यहाँ हो जाएगा 1 1 3। एलसीएम लेते हैं तो नीचे 1 मान लेते हैं, ये हो गया 1 1 3, यहाँ आएगा 1 1 3 -64 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी एलसीएम लेते हैं 1 1 3, ये हो गया 1 1 3 -49। डिनोमिनेटर ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1 1 3 में 64 माइनस करते हैं तो होता है यहाँ पर 9, और 10 में से 4 गया, 10 में 6 गया 4 डिवाइड बाय, इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 13 में से 9 गया तो होगा आपका 4, और 10 में से 4 गया तो होगा 6, तो आंसर आ गया आपका 49/64।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू ये हो गया आपका 7/8 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, दोनों का आंसर सेम आ गया। क्वेश्चन 8 में है, इफ 3 cot is equal to 4 चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस, ये है या नहीं। मैं थोड़ा सा इसका हिंट्स देता हूँ, आगे आप खुद कोशिश करना, यदि नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको दोबारा कर दूंगा। तो ये है 3 cot A is equal to 4, तो cot A is equal to क्या होगा, 4/3। आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर डालते हैं ए बी सी, तो cot A cot is equal to होता है B/P, तो B हमारे पास है 4 और P है 3। आप AC निकालेंगे, ये आएगा 3 square is equal to 9, 16 square दोनों मिला देंगे तो ये आएगा आपका 5, और आप यहाँ से अब 10 square theta नहीं, एक पहले आप LHS रख लेंगे, LHS में आप ये लिखकर आप यहाँ पर इसका वैल्यू डाल देंगे, फिर आप RHS ये लिखेंगे, ये लिख के फिर उसका वैल्यू यहाँ से निकाल के डाल देंगे, दोनों इक्वल हो गया तो बोल दीजिएगा यस दे आर इक्वल, इक्वल नहीं होगा तो बोल दीजिएगा दे आर नॉट इक्वल, दैट्स इट। क्वेश्चन अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, यदि बोला है राइट एंगल एट बी तो आपको बी राइट एंगल पर ही डालना है, और ए और सी आप कहीं भी डाल सकते हैं। दिया हुआ है 10A is equal to 1/√3, 10 is equal to होता है P/B, मीन्स P आपका 1, B आपका दे रखा है √3, तो आपको हम AC निकाल के दिखा देते हैं, तो AC is equal to हो जाएगा 1 square plus √3 square, और दोनों प्लस करेंगे तो 1 square 1 होता है, प्लस √3 square 3 होता है, दोनों को मिला देंगे तो होगा 4, और इसका आंसर हो जाएगा 2, AC आपका आ गया 2। अब आप क्या करेंगे, नंबर 1 लिखेंगे, साइन ए कॉस सी दोनों निकाल कर, दोनों पहले आप यहाँ निकाल के, मैं एक कर देता हूँ फर्स्ट पार्ट, आप सेकेंड पार्ट खुद ट्राई करना, तो लेट्स डू फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट तो करते ही, तो क्वेश्चन कॉपी करते हैं, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, साइन ए का वैल्यू निकालते हैं, साइन इक्वल टू होता है पी बाय एच, तो पी है ए और एच है 2, तो रख दीजिए यहाँ पर 1/2 इंटू कॉस सी, कॉस इक्वल टू होता है बी बाय एच, तो सी के लिए बी यही है और एच यही है, तो रख देते हैं 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस इक्वल टू बी बाय एच, ए के लिए बी ए है तो ये हो गया बी अपॉन एच है 2 इंटू साइन सी, साइन इक्वल टू होता है पी बाय एच, तो पी है किसके लिए है, सी के लिए, सी के लिए तो है ये पी बाय एच, तो पी ये है और एच ये है, तो √3/2 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1/4 प्लस ये हो गया 3/4, एलसीएम लेके करेंगे 4, यहाँ हो गया 1 + 3, दोनों प्लस करेंगे 4/4 विच इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डू योर सेल्फ, क्वेश्चन 10, इन ट्रायंगल पी क्यू राइट एंगल एट क्यू, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल एट क्यू मतलब आपको यहाँ पर क्यू डालना है, और पी क्यू आ रहा है तो पी यहाँ डाल दीजिए, क्यू और आर ये,
अब पहले हमारे पास है पी क्यू इजकल टू 5, तो पी क्यू इजकल टू यहाँ से 5 लिख देते हैं। इस बार हमें पी आर क्यू आर दोनों मिला के दिया हुआ है 25। पी आर क्यू आर, तो पी आर को इधर रहने देते हैं और 25 माइनस क्यू आर को उधर भेज देते हैं। उधर भेजने के बाद दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, रहने देते हैं, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। ये हो गया 625 a² माइनस 2ab करेंगे, 2 × this × this हो जाएगा 50 qr प्लस b² मीन्स qr का स्क्वायर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के हिसाब से देखते हैं इसको। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू क्या होता है, तो पी आर इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या पी क्यू स्क्वायर ट्रायंगल से और प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इस ट्रायंगल को देखेंगे तो होगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। इक्वल टू जो उधर है कॉपी कर दीजिए, 625 माइनस 50 × क्यू आर, क्यू आर हमारे पास अभी नहीं है रहने देते हैं, प्लस फिर से है क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर ये और ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। अब पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू हमारे पास 5 है तो डाल देते हैं 5² इक्वल टू हो गया 625 माइनस 50 qr, थोड़ा आगे इसको बढ़ा लेते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा पॉजिटिव 50 qr इक्वल टू ये 625 कॉपी कर लीजिए माइनस ये 5² अभी हमारे पास लेफ्ट में, इसको राइट भेजते हैं तो ये हो जाएगा इधर लेफ्ट में माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अभी पॉजिटिव है, तो हो जाएगा 50 qr इक्वल टू 600 और qr इक्वल टू हो जाएगा 600/50। इसको रिड्यूस कर देते हैं तो 5 से करेंगे, 5 × 5 = 10 मीन्स 12, आंसर आ गया आपका 12। तो क्यू आर हमारे पास 12 है, क्यू आर 12, तो हमें पी आर आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 होता है। तो यदि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है तो इसमें हम क्यू आर का वैल्यू पी आर निकालते हैं, तो पी आर प्लस क्यू आर 12 आ गया इक्वल टू 25 और पी आर इक्वल टू हो गया 25 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 13। तो इस फिगर में अब आपके पास ये आया 12, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये आपका 12 है और 13 आ गया आपका हाइपोटेन्यूज। आपके पास अब सब कुछ है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, 12 है, तो आपको निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो आराम से निकाल देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं सिंपल, साइन पी इजकल टू, साइन इजकल टू होता है पी बाय एच मीन्स, और पी के लिए पी ए होगा तो रखें 12/13। दूसरा है कॉस पी, यहाँ पर लिखते हैं कॉस पी इजकल टू, कॉस इजकल टू होता है बी बाय एच, तो बी है पी के लिए बी ए होगा तो रख देते हैं 5/h, वही है 13। नेक्स्ट है हमारे पास टेन पी, यहीं पर निकाल देते हैं टेन पी, तो टेन पी, टेन इजकल टू होता है पी अपॉन बी, तो पी कितना है, टेन पी के लिए, अरे ये तो उड़ गया, कोई बात नहीं, इसको हम फिर से बना देते हैं। तो टेन पी इक्वल टू हो जाएगा, टेन इक्वल टू पी बाय बी, पी ए है बी ए है, तो 12/5। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड थैंक यू।